राइट। सो देखिए ये पॉइंट समझ में आ गए, अभी लेयर्स के ऊपर आते हैं। एक शॉर्ट सा इंफॉर्मेशन, तो दैट इज हमने देखा था इसमें वैल्व्स होती हैं। ओके, वैल्व्स होती हैं, दैट इज आपने देखा था वेन्स के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इनमें वैल्व्स होते हैं। तो वैल्व्स को साइड में करके अगर हम इन दोनों में देखें कि कितने लेयर्स होते हैं, तो देयर आर थ्री लेयर्स। ओके, उनकी थिकनेस अलग अलग हो सकती है। दैट इज अगर आप वेन्स में देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर है, वेन्स देखोगे, आर्टरीज देखोगे, तो तीनों लेयर की थिकनेस आर्टरी में अलग होगी, वेन में अलग होगी। ओके, सो अब देखो जो थिकनेस है उसके बाद हम नहीं कर रहे हैं, पर दैट इज हम तीनों लेयर की बात कर रहे हैं। ओके, इनर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर एंड आउटर मोस्ट लेयर, ऐसे तीन लेयर्स होती हैं आर्टरीज एंड वेन्स में। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर ये लेयर्स का इंफॉर्मेशन था, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स में क्या होते हैं, दैट इज तीन लेयर्स होते हैं, दैट इज इनर मोस्ट लेयर, ओके, देन मिडल लेयर एंड देन आउटर मोस्ट लेयर। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर थिकनेस वेरी कर सकता है। ओके, यहाँ पर थिकनेस क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। ओके, सो जैसे कि हमने देखा था किसी का थिक वॉल है, ओके, किसी का थिन वॉल है, सो उस तरीके से देखा जाए थिकनेस के हिसाब से, तो यहाँ पर जो तीन लेयर्स है उसकी थिकनेस अलग हो सकती है, और जो आर्टरीज में तीन लेयर है उसकी थिकनेस अलग हो सकती है, उसके बाद हम फिलहाल दो नहीं कर रहे। सो ये आठ पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब देखो इसकी तरफ जाते हैं, ये जो आर्टेरियल एंड वेन्यूल है, इसके बाद हम हमारी दो ही चीजें रह जाती है, दैट इज मार्किंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एंड उसके बाद एक ही चीज है, दैट इज रिकॉलेशन ऑफ द टॉपिक। ओके, देखिए आर्टेरियल, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर आर्टेरियल, दैट इज अ स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी लीडिंग इनटू द कैपिलरी। अब ये कैपिलरी के अंदर जा रहा है, ओके, लीडिंग इनटू द, इट इज लीडिंग इनटू द कैपिलरी। ओके, सो ये आर्टेरियल क्या है, इट इज अ स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी। ओके, यहाँ पर आर्टेरियल दिखेगा, फिर एक व्हाइट ट्यूब दिखेगा जिसको हम आर्टरी बोलते हैं। तो बेसिक सा सिंपल सा ये था, दैट इज कि ये जो थिन ब्रांच दिख रहा है आर्टरी का, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियल बोलते हैं। सो द स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी लीडिंग इनटू द कैपिलरी इज नोन एज आर्टेरियल। ओके, उसके बाद ये समझ में आ गया आर्टेरियल क्या है। अब वेन्यूल, वेन्यूल क्या है, अ स्मॉल ब्रांच ऑफ वेन बोल सकते हैं आप, या दूसरे तरीके से बोल सकते हो स्मॉल वेन। ओके, अ स्मॉल वेन स्पेशली कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज, इट स्पेशली कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज, विच ब्लड, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, स्पेशली वो क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है। ओके, ये स्पेशली उसका एक काम होता है, दैट इज इट स्पेशली कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज, विच इज ट्रांसफर्ड एंड मींस विच मूव्स फर्दर इन द वेन। ओके, सो ये जो वेन्यूल दिख रहा है, ये जो थिन ट्यूब है उसके बाद ये वाइड हो रहा है, देखिए तो ये जो वाइड हो रहा है ये वेन है, और ये जो थिन ट्यूब है या थिन स्मॉल ब्रांच ऑफ वेन है या स्मॉल वेन है, इसको हम वेन्यूल बोलते हैं। ओके, सो ये जो स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी था इसको हम आर्टेरियल बोलते हैं, और ये जो स्मॉल ब्रांच ऑफ वेन था इसको हम वेन्यूल बोलते हैं। अब वेन्यूल का काम क्या है, वेन्यूल का फंक्शन क्या है और वो है क्या, वो सब कुछ देखते हैं। इट इज अ स्मॉल ब्लड वेसल दैट अलाउज डिऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रिटर्न फ्रॉम कैपिलरी टू लार्जर ब्लड वेसल कॉल्ड वेन्स। मतलब जो कैपिलरी में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी, दैट इज यहाँ पर जो बात की थी हमने कि अदर एंड में क्या हो रहा है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में जा रहा है कैपिलरीज में के थ्रू, तो ये एक स्मॉल ब्लड वेसल है जो अलाउ करता है जो भी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कैपिलरीज में वो वापस रिटर्न हो जाए वेन्स में। ओके, यहाँ पर वही दिया गया है, इट इज अ स्मॉल ब्लड वेसल, जो वेन्यूल है ये एक स्मॉल ब्लड वेसल है जो अलाउ करती है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू रिटर्न फ्रॉम द कैपिलरी टू लार्जर ब्लड वेसल, लार्जर ब्लड वेसल दैट इज वेन्स। ओके, तो ये समझ में आपको, इट इज अ स्मॉल ब्लड वेसल, तोड़ तोड़ के देखते हैं, जो वेन्यूल है वो स्मॉल ब्लड वेसल है जो अलाउ करता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू रिटर्न फ्रॉम द कैपिलरी, यहां पर होगा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से वापस चला जाए वेन में, ये अलाउंस कौन देता है, वेन्यूल देता है, यहां पर दिया गया दैट अलाउज डिऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रिटर्न फ्रॉम कैपिलरी टू लार्जर ब्लड वेसल, दैट इज लार्जर ब्लड वेसल कौन सा, वेन, यहां पर चला जाए वापस। ओके, मतलब जो कैपिलरी में है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वापस वेन में चला जाए, ये अलाउंस कौन देता है, वेन्यूल देता है। ओके, सो यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता होगा, यहाँ पर गैस मार के देखते हैं क्या होता होगा, दैट इज जैसे यहाँ पर अलाउंस मिल रहा है वेन्यूल का टू गो इनटू द वेन, जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन में चला जाए, उसी तरीके से यहाँ पर होता होगा, दैट इज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर कैपिलरीज में पहुंचता होगा और देन फर्दर प्रोसेस इज कैरीड आउट। ओके, जो हमने बात की है पहले भी कुछ टॉपिक्स में, राइट।
सो ये बात समझ में आ गई वेन्यूल और आर्टेरियल के बारे में पता चल गया आपको। आर्टेरियल क्या है? स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी लीडिंग इनटू कैपिलरी, व्हिच इज लीडिंग इनटू कैपिलरी एंड अ स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी इज नोन एज आर्टेरियल एंड वेन्यूल इज अ स्मॉल वेन स्पेशली कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम कैपिलरी एंड देन इट इज ट्रांसफर इट मूव्स फॉरवर्ड इनटू द वेन। ओके सो वेन्यूल का काम क्या, देखिए इट अलाउज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रिटर्न फ्रॉम कैपिलरी टू द वेन। ओके मतलब यहां से वापस वेन में चला जाए, इसका अलाउंस वेन्यूल दे रहा है स्टेटमेंट के हिसाब से जाए तो, राइट। सो ये था आर्टेरियल एंड वेन्यूल के बारे में। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये मार्क कर लेते हैं और डायग्राम के साथ वापस हम रिकॉल कर लेंगे कि ये सब कुछ है क्या, राइट। अब देखिए ये सब जो हो रहा है इसका ये क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ओके यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर ये कैरी ऑन प्रोसेस हुआ, फिर यहाँ पर ये हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, देन वो यहाँ पर पुश फॉरवर्ड हुआ, देन वेन में आया, देन वो मूव हुआ फर्दर इन वेन। ओके इतना बात समझ में आ गया। अब हमारी एक चीज हो गई दैट इज एक्सप्लेनेशन। अब दो चीजें बचती है, दैट इज मार्किंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड देन रिकॉलेशन ऑफ द टॉपिक। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं जिसके थ्रू आप शॉर्ट पीरियड में इसको याद कर सकते हो, कैपिलरीज को कैपिलरीज के टॉपिक को याद कर सकते हो। तो बेसिकली हम अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने वाले हैं। कैपिलरी के वॉल्स कैसे हैं? थिन वॉल्स हैं। ओके कैपिलरीज के वॉल्स कैसे हैं? थिन वॉल्स हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? नैरो स्ट्रक्चर, दे आर एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। ओके इतना बात समझ में है। सो कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। ओके सो व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। ओके ये पहला पॉइंट हमने पहले पॉइंट में से जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मार्क कर लिया। अब दूसरे पॉइंट में क्या है? कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स, इट इज अ ब्लड वेसल विच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। ओके कैपिलरी एक ऐसा ब्लड वेसल है जो आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट करता है। ओके डायग्राम के थ्रू देखोगे तो इस तरीके से इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ओके सो सेकंड पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं? ब्लड वेसल विच कनेक्ट्स दी आर्टरीज एंड वेन्स। उसके बाद इट इज वेयर इट इज, मतलब कहां पर उसका पोजीशन कहां पर है? इट इज पोजिशनाइज्ड इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ओके इसका पोजीशन कहां है? बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, ये आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में होता है। ओके जैसे आप यहां पर देख सकते हो ये आर्टरी है, ये वेन है, इसके बीच में ये कैपिलरीज हैं। ओके उसके बाद द ब्लड कमिंग फ्रॉम आर्टरीज एंटर्स इनटू द कैपिलरी, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो ब्लड आ रहा है आर्टरीज में से वो कैपिलरीज में एंटर करता है और उसके आगे की फर्दर प्रोसेस हमने डिस्कस की, राइट पहले भी। सो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कैपिलरीज में जा रहा है और देन फर्दर प्रोसेस इज कैरिड ऑन। ओके अब देखिए अगला पॉइंट, एवरी लिविंग सेल इज ऑफ आर बॉडी इज क्लोज टू द कैपिलरी, ये पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। ये पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज एवरी लिविंग सेल, मतलब जितने भी हमारे लिविंग सेल्स हैं वो कैपिलरी के क्लोज में रहते हैं। मतलब दो कैपिलरीज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कैपिलरी है, डायग्राम के थ्रू देखते हैं, एक कैपिलरी है तो ऊपर एक लिविंग सेल है, नीचे एक लिविंग सेल है, तो इस तरीके से लिविंग सेल्स जो है वो कैपिलरी के क्लोज में ही रहते हैं। ओके उसके बाद जो वॉल्स हैं कैपिलरीज की वो वन सेल थिक है। ओके इट इज वन सेल थिक, ओके इट इज वन सेल थिक, सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो डबल मार्क किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। सो देखिए जो कैपिलरीज की वॉल्स है वो वन सेल थिक है सर, ओके दैट इज व्हाई वी कॉल देम अ थिन वॉल्ड ब्लड वेसल, ओके थिन वॉल्ड ब्लड वेसल दैट इज कैपिलरी। ओके ये पॉइंट समझ में आया, दैट इज वॉल्स ऑफ कैपिलरी आर वन सेल थिक, ओनली वन सेल थिक। ओके आप देखिए जैसे एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, CO2 एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? मटेरियल्स लाइक CO2, फूड, O2 बिटवीन बॉडी एंड बॉडी सेल एंड ब्लड टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। ओके सो द मटेरियल लाइक O2, फूड, CO2 इज एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल थ्रू कैपिलरीज। मतलब ये जो एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स हो रहा है जैसे ऑक्सीजन, फूड और CO2, ये किसके बीच में हो रहा है? दैट इज बॉडी एंड बॉडी सेल्स एंड ब्लड। ओके बॉडी सेल्स एंड
ब्लड के बीच में हो रहा है। सो ये जो एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल होता है बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड ब्लड इट टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। ओके, ये कैपिलरीज की वजह से हो पाता है। उसके बाद जो अदर हैंड एंड है कैपिलरी का वो वेन है। ओके, और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है वेन्स में, जो कैपिलरीज में आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वेन में चला जाता है। तो ये सिंपल सा पॉइंट था। अब आर्टेरियोल एंड वेन्यूल की तरफ आते हैं। सो इसमें याद रखने जैसा क्या है, दैट इज स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी लीडिंग टू कैपिलरीज इज नोन एज आर्टेरियोल। ये एक तरीके से डेफिनेशन भी बोल सकते हैं आप आर्टेरियोल का, दैट इज अ स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी लीडिंग टू कैपिलरी और लीडिंग इनटू द कैपिलरी इज नोन एज आर्टेरियोल। ओके, वेन्यूल में क्या है, अ स्मॉल ब्रांच और अ स्मॉल वेन स्पेशली कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज इज नोन एज वेन्यूल्स। एंड फंक्शन क्या है उसका, अलाउज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रिटर्न फ्रॉम कैपिलरी टू लार्जर ब्लड वेसल कॉल्ड वेन्स। ओके, ये पॉइंट समझ में आपको, ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लिया। अभी हमारी एक ही चीज बचती, दैट इज रिकॉलेशन ऑफ द टॉपिक। सो वो भी कर लेते हैं अभी, रिकॉलेशन ऑफ टॉपिक क्विकली। देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इससे दो क्वेश्चन निकल के, दो टाइप के क्वेश्चन निकल के आते हैं, व्हाट इज कैपिलरी, और दूसरे टाइप का, दूसरी तरह से ये क्वेश्चन, मतलब ये सेंटेंस को कैसे देख सकते हैं, दैट इज इसकी वॉल्स कैसी है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो व्हाट इज कैपिलरी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड वेरी नैरो ट्यूब्स, मतलब इनकी जो वॉल्स है ये बहुत ही थिन है और ये बहुत ही नैरो ट्यूब्स है। ओके, ये बहुत ही एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स है। ओके, ब्लड वेसल्स व्हिच कनेक्ट्स आर्टरीज टू वेन, मतलब ये आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट करते हैं। ओके, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप बोलो तो ये आर्टरीज एंड वेन्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कौन, कैपिलरीज। उसके बाद कैपिलरीज का पोजीशन क्या है, इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, सो द पोजीशन ऑफ कैपिलरीज इज बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। इस तरीके से आप देखोगे, डायग्राम को देख के आपको पता चल जाता है कि ये किस तरह से इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स है। ओके, उसके बाद द ब्लड कमिंग फ्रॉम और द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर्स द कैपिलरी इन द बॉडी, मतलब जो आर्टरीज में ब्लड है, ओके, वो एंटर करता है कैपिलरीज, बस सिंपल सा पॉइंट है, दैट इज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आर्टरी में वो कैपिलरी में एंटर करता है। ओके, उसके बाद दैट इज अगला पॉइंट, एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू द कैपिलरी, मतलब हर एक लिविंग सेल, जितने भी लिविंग सेल्स है हमारे बॉडी में, वो कैपिलरी के क्लोज में ही रहते हैं। ओके, अब वो क्यों, हम अगले पॉइंट में देखेंगे। वॉल्स ऑफ कैपिलरी आर ओनली वन सेल थिक, मतलब जो वॉल्स है कैपिलरीज की ये सिर्फ वन सेल जितनी थिक है। ओके, इट इज ओनली थिक एज वन सेल। ओके, सो इट इज थिक एज वन सेल। ओके, सो ये पॉइंट समझ में आया, कैपिलरीज कितनी, कैपिलरीज की वॉल कितनी थिक है, एज थिक एज वन सेल। ओके, इट इज एज थिक एज वन सेल। ओके, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, थिन वॉल। ओके, एक सेल देखोगे आप, सो वो भी एकदम छोटा होता है, सो उसके हिसाब से देखा जाए, वन सेल के थिकनेस के हिसाब से देखा जाए, तो जो वॉल्स हैं कैपिलरीज की वो बहुत ही थिन है। ओके, सो जैसे हमने ब्लड वेसल्स के बारे में बात की है अब तक, जैसे आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, तो उनके भी वॉल्स थी, तो कैपिलरीज की भी वॉल्स हैं जो एज थिक एज वन सेल है, मतलब वन सेल जितनी थिक है। ओके, उसके बाद द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल लाइक O2, फूड, CO2 बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स और लिविंग सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज के वजह से बॉडी सेल्स एंड ब्लड के बीच में वेरियस मटेरियल एक्सचेंज हो सकते हैं, जैसे O2 फूड एंड ऑक्सीजन, O2 फूड एंड व्हाट इज दिस, CO2। ओके, तो देखिए यहाँ पर एरोस के थ्रू बताएगा वो रह गया था, दैट इज देखिए फूड एंड O2 कैसे जा रहा है, यहाँ पर देखिए फूड एंड O2 लिविंग सेल्स में जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और CO2 भी एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर देखिए कैपिलरी एंड लिविंग सेल के बीच में, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फूड एंड O2 यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर ये इस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। ओके, मतलब फूड एंड O2 लिविंग सेल्स में जा रहा है, और जो CO2 है लिविंग सेल में वो वापस कैपिलरी में आ रहा है, फिर वो वेन के थ्रू जाएगा एंड फर्दर प्रोसेस विल बी कैरी आउट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जो फूड, O2, CO2, जो वेरियस मटेरियल्स है इसके एक्सचेंज होते हैं बॉडी सेल एंड ब्लड में थ्रू कैपिलरीज, आप समझ में आए कैसे हो रही है एक्सचेंजेस,
राइट। अब देखिए आखिरी पॉइंट जो है हमारा, इसके बाद आर्टेरियल एंड वेन्यूल है। आखिरी पॉइंट जो बोलते हैं हमारा कि जो अदर एंड है कैपिलरीज का वो वेन्स है, और इसमें डिऑक्सीनेटेड ब्लड होता है कैपिलरीज में, वो कहां पर चला जाता है, वेन में चला जाता है। सिंपल सा पॉइंट था, बेसिक सा पॉइंट था, राइट। अब आर्टेरियल क्या है, स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टेरी लीडिंग इनटू द कैपिलरी इज नोन एज आर्टेरियल, मतलब एक ऐसा ब्रांच आर्टेरी का स्मॉल ब्रांच जो कहां जा रहा है, कैपिलरीज के अंदर जा रहा है, इट इज लीडिंग इनटू द कैपिलरी। ओके, ये जो स्मॉल ब्रांच दिख रहा है आपको उसके बाद ये वाइड हो रहा है, देखिए। सो ये जो स्मॉल ब्रांच है ये क्या है, आर्टेरियल है, और ये जो स्मॉल ब्रांच है वेन का, ये वेन्यूल है, और स्मॉल वेन, ओके, स्पेशली फॉर कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज, मतलब स्पेशली ब्लड कलेक्ट करता है फ्रॉम द कैपिलरीज व्हिच इज मूव्ड फॉर द इन द वी, ओके, यही इसका काम है, दैट इज अलाउज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू रिटर्न फ्रॉम द कैपिलरी टू लार्जर ब्लड वेसल कॉल्ड वेन, मतलब यहां से कैपिलरी से रिटर्न करता है वेन में, ये अलाउंस कौन देता है, वेन्यूल देता है। इट अलाउज डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू रिटर्न फ्रॉम द कैपिलरी टू लार्जर ब्लड वेसल कॉल्ड वेन्स। तो इस तरीके से हमारा कैपिलरीज का ये था टॉपिक। सो इस तरीके से जो हमारा ब्लड वेसल्स का स्पेसिफिक सेक्शन था, दैट इज आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में हम पहले डिस्कस करने वाले थे, उसके बाद हम ह्यूमन आर्ट की तरफ जाने वाले थे। तो हमारा सेक्शन है ब्लड वेसल का, दैट इज आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज का, ये सेशन यहाँ पर खत्म होता है, और ये जो टॉपिक है कैपिलरीज का ये यहाँ पर ही खत्म होता है, कवर होता है।